हम देखते हैं कि आज हम क्या लर्न करेंगे. सो स्टूडेंट्स टेक आउट योर बुक 4 एंड स्टूडेंट्स यू हैव टू ओपन पेज नंबर 4. ओके, और इसमें स्टूडेंट्स zigzag लाइंस, तो चलो वो हम लर्न करते हैं. तो सी स्टूडेंट्स, हमने स्लैंट लाइन सीखी थी, राइट? फॉरवर्ड स्लैंट लाइन, बैकवर्ड स्लैंट लाइन सी, ये टू टाइप्स की हमने स्लैंट लाइन सीखी थी, राइट? बट स्टूडेंट्स ये स्लैंट लाइन को हम सी ऐसे ही करेंगे कंटिन्यू सी, तो इसको हम बोलेंगे zigzag. ओके, इसको हम बोलेंगे स्लैंट लाइन. और अगर हम स्लैंट लाइन को एक से देखो जॉइंट करके कंटिन्यू ही करें तो इसको हम बोलेंगे zigzag लाइंस. ओके, इसको भी हम लाइन से बोलेंगे बट zigzag लाइंस बोलेंगे, ठीक है? नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो एक कप है, राइट? और ये कप के अंदर भी देखो स्टूडेंट्स एक डिजाइन है, वो भी zigzag लाइन है ऐसी. ये जो है इसको कहते हैं हम zigzag लाइंस. ओके, नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें फोटो फ्रेम है और इसकी जो फ्रेम है वो भी है zigzag लाइंस में से. कितनी सारी zigzag लाइंस है, राइट? तो चलो अभी हम हमारा वर्क स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले देखो यहाँ पर है zigzag लाइंस. ओके, तो सबसे पहले हम इसको हमारे फिंगर से यस ट्रेस करेंगे. तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपको फिर स्टूडेंट स्टॉप नहीं करना है, आपको कंटिन्यू ही प्रेसिंग करनी है सी लाइक दिस. तो ये हुई zigzag लाइंस. ओके, चलो अभी हम ये वाली एक्टिविटी करते हैं. तो इसमें हमें क्या करना है, जहां पर भी zigzag लाइन है उसमें हमें करना है राइट टिक. तो चलो फाइंड करो zigzag लाइन कहां पर है. यस, यहां पर है zigzag लाइन, तो यहां पर हम करेंगे राइट टिक. ओके, आपको यहां पर भी देखना है कि ये दोनों सेम है, राइट? नाउ स्टूडेंट्स चलो फिर से फाइंड करो कहां पर है. यस, लास्ट वन ये है zigzag लाइंस. ओके, तो स्टूडेंट्स अभी ये बताओ कि ये क्या है. यस, डाउनवर्ड लुक्स, जो इससे पहले हमने लर्न किया था, बट ये zigzag लाइन नहीं है, राइट? तो इसमें हमें राइट टिक नहीं करना है. ओके, तो स्टूडेंट्स ये एक्टिविटी आप अच्छे से कंप्लीट करना एंड यस ये अच्छे से लर्न भी करना है और याद रखना है. ओके, सो थैंक यू.